गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माँ कह गई एक कहानी। माँ के द्वारा जो माँ होती है, मदर होती है, वो क्या कह रही है, एक कहानी कह रही है। तो देखिए ये क्या है, एक कविता है। सबसे पहले ये पाठ नहीं है, ये क्या है, कविता। तो देखिए प्रस्तुत कविता का प्रसंग सिद्धांत गौतम बुद्ध के जीवन से लिया गया है। इस कविता में गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया जा रहा है। गौतम बुद्ध के जीवन से लिया गया है ये कविता। इस कविता में भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र, ये जो कविता है इसमें भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र, जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उनके पुत्र राहुल, उनके पुत्र कौन थे, उनका बेटा कौन था राहुल, और पत्नी कौन थी यशोधरा, दो पात्र हैं गौतम बुद्ध। ध्यान से समझिए, गौतम बुद्ध की पत्नी और गौतम बुद्ध के बेटे के बारे में बात की गई है। बालक राहुल अपनी माता से कहानी सुनाने का बाल सुलभ हट करता है। जो बच्चा है, बालक है, वो अपनी माता से, ये उसकी माँ है, वो उनसे क्या करता है, बाल सुलभ कोई बच्चों के बारे में कहानी सुनाने के लिए क्या करता है, हट। हट क्या होता है, हट होता है जिद करना। और माँ बालक को उसी के पिता की कहानी सुनाती है, और जो माँ है वो क्या करती है, उस बच्चे को उसी के पिताजी की क्या कर देती है, कहानी सुनाना प्रारंभ कर देती है। तो देखिए माँ कह गई, माँ कह एक कहानी, माँ क्या कह रही है, एक कहानी सुना रही है। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, वो अपने बच्चे को कह रही है, क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ रहे हो। कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी क्या होती है, दासी, जो सेवा करने वाली होती है दासी, वो कह रही है कि कह मुझसे ये दासी कह रही है, तू मेरी नानी की बेटी, कि तुम मेरी नानी की क्या हो, बेटी हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। अब वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ बोलती रहो, लेटी लेटी ही बोलती रहो, कि वो राजा था या रानी थी। माँ कह एक कहानी, माँ एक कहानी सुनाओ। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन क्या होता है, बाग, बगीचा। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। वो क्या कह रहे हैं कि सुबह सुबह बगीचे में कौन भ्रमण करता था, तात यानी पिताजी, वो क्या करते थे, भ्रमण करते थे, घूमते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि क्या होता है, सुगंध, खुशबू, वहाँ पे क्या आती थी, बहुत अच्छी खुशबू आती थी। जहाँ सुरभि मनमानी यानी वहाँ पे बहुत अच्छी क्या आती थी, मनचाही खुशबू आती थी। हाँ माँ यही कहानी, और वो बच्चा कहता है, राहुल कहता है, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण यानी तरह तरह के क्या खिले थे, फूल खिले थे, झलमल कर हम बिंदु झिले थे। और क्या कर रहे थे, वो झिलमिल झिलमिल करके वो क्या कर रहे थे, ऐसा लग रहा था हिम, हिम क्या होता है कि बर्फ गिर रही हो। हल्के झोंके हिले मिले थे, और हल्के हल्की क्या हो रही थी, झोंके यानी हवाएं चल रही थी। झोंके क्या होती है, कहते हैं ना हवा का झोंका आया, तो हल्की हल्की क्या हो रही थी, हवाएं चल रही थी। लहराता था पानी, और जो पानी था वहाँ वो क्या कर रहा था, लहरा रहा था। हाँ हाँ यही कहानी, वो कहता है हाँ हाँ आप मुझे यही कहानी सुनाइए। तो आज ही स्टेंजा हमने कहाँ से, यहाँ से लेकर, माँ से लेकर, और कहाँ तक किया है, हाँ हाँ यही कहानी। तो ये क्या हो गया, हमारा लेक्चर नंबर 1 हो गया। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।